हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चटकारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए साबुदाने की इंस्टेंट रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी में आपको साबुदाने को घंटों भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसे आप तुरंत बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने 1.5 कप साबुदाना लिया है और आधी कटोरी मूँगफली ली है। तो सबसे पहले हम साबुदाने को भूनेंगे। साबुदाने को हम 2 मिनट भूनेंगे, ताकि जिससे इसमें जो भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। साबुदाना अच्छे से भून जाए। साबुदाना भून चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मूंगफली को भी हम भून लेंगे, जिससे मूंगफली का कच्चापन भी भूल जाए। साबुदाना और मूंगफली दोनों भून चुका है, अब इसे हम बारीक पीसेंगे। साबुदाने को हम बारीक पीस लेंगे और मूंगफली के दाने को हम हल्का दरदरा पीसेंगे। इसलिए हमें इसे अलग अलग पीसना पड़ेगा। साबुदाने और मूंगफली को हमने पीस लिया है, अब इसे हम बाउल में साबुदाने को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो दब जाता है। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और बॉयल आलू को जो हमने ग्रेट किया है वो डालेंगे। धनिया पत्ती, यहाँ हमने जीरा और काली मिर्च का पाउडर लिया है। सेंधा नमक, यहाँ हमने सिंघाड़े का आटा आधा कटोरी लिया हुआ है, इसे भी हम ऐड करेंगे, जिससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। आधी कटोरी हमने यहाँ दही ली हुई है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई, अब इसमें हम पानी डालते हुए धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही आपको घोल तैयार करना है, गाढ़ा। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। बैटर हमारा सेट हो चुका है, अब इसमें हम चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ हमने इडली स्टैंड लिया है, इसमें हम व्रत के लिए नाश्ता बना रहे हैं, तो इसलिए हमने घी का यूज़ किया है। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टैंड में हम बैटर को डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टैंड में हमने कढ़ाई हमने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो चुका, अब हम इसमें स्टैंड को डालेंगे। कम पड़ गया, इसलिए खाली रह गया है। 15 मिनट पकाएंगे। इडली बिल्कुल तैयार हो गई है, अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से निकल जा रहा है, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा बैटर इसमें बच गया है, जिसका हम साबुदाना चिला बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। बनाने के लिए हमने कढ़ाई यहाँ रखा हुआ है, गर्म हो चुकी है। इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला है, अब इसमें हम बैटर को डालेंगे। बैटर को हमने कढ़ाई में डाल दिया है, आप इसे नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं। अब इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट हो चुका है, अब इसे हम खोल कर देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हल छोड़ दिया है कढ़ाई से, अब इसे हम पलटेंगे। इसका कलर देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, आप इसे चीला कहें, आप इसी तरीके से इसका डोसा भी बना सकते हैं। अब पलटने के बाद जब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे, पलटने के बाद इसे हम फिर से कवर करके 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसे देखेंगे।
दोनों साइड से ये अच्छे से पक चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया ये दिख रहा है, इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए बैटर से हमने दो रेसिपी बनाई है, साबूदाने की इडली और साबूदाने का चीला। आप व्रत में इसे बना के खाइए, बहुत ही हेल्दी और एनर्जी वाली ये रेसिपी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।